जैसे कि आप देख सकते हो ये श्रोरा गांव है, तो यहाँ पे ये 100% डिसेबल है और इनका वोट नहीं हुआ है बैलेट पेपर के अकॉर्डिंग। तो आप बता सकते हैं हमें कि आप आपकी पूरी फॉर्मेलिटीज हुई थी? सब कुछ हुआ था जी। तो फिर क्या इन्होंने रिजेक्ट कर दिया? क्यों किया वही। इन्होंने बताना चाहिए था ना कि ये आपकी ये कमी कमजोरी है या आपका ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कमी पूरी करो। हाँ जी हाँ जी, डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं जी ये रिजेक्ट है। तो अभी आप मतलब ये पीठ पे आए हुए हैं, ये देख रहे हैं आप? हाँ जी, आप सभी लोग देख रहे हैं। ये बेचारा एक बंदा मेरे को कहाँ से उठा के लाया, चार किलोमीटर पैदल। अच्छा, 4 किलोमीटर पैदल लेके आया है। तो रोड ना होने की वजह से 100% डिसेबिलिटी हूँ। कुछ हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी एज 95+ है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया? जब ये लिखा हुआ ये कहा गया है कि ऑल जो भी डिसेबिलिटी हैं, जो भी ओल्ड हैं, उनके लिए घर में ही वोट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हुआ? हमारे गांव में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। रोड है ना, यहाँ पे डिस्पेंसरी है ना, हमें कोई फैसिलिटी है, क्यों नहीं है? क्या आपने लेना है होंडा का नया टू व्हीलर? क्या आपके पास है होंडा का टू व्हीलर? क्या आपको जाना पड़ता था आज तक अपने घर से सर्विस करवाने दूर? पर अब आपके भद्रवाह में है होंडा का सर्विस शोरूम। आपको कहीं दूर नहीं, आपके भद्रवाह के ईदगाह रोड सेरी बाजार में है होंडा का ऑथराइज त्रिदेव ऑटोमोबाइल्स सर्विस सेंटर, आउटलेट रेजेंसी होंडा और शोरूम। आज ही कांटेक्ट करें दिए गए नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं इनको ये यूरिन की भी पाइप लगी हुई है, फिर भी मतलब कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है। और ये पोलिंग बूथ है हमारे यहाँ, और इतनी बारिश में ये यहाँ पे वोट देने आए हुए हैं। तो ये हमारी कंडीशन थोड़ी ना है घर से निकलने की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात अभी है। अभी मैं इस बारिश में आया हूँ, शाम तक वापस जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, मेरा जिम्मेवार कौन होगा? बिल्कुल बिल्कुल, पूछेगी आकर मेरे को कि सही बात, वोट दिया तो तेरी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये देखना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने कैसे बोल दिया कि इसको रिजेक्ट कर दिया? बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे, तो रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। नहीं है व्हीलचेयर, उनको देनी चाहिए। और हाँ, यहाँ पे व्हीलचेयर भी नहीं है, रैंप नहीं है, तो इसमें तो प्रशासन की गलती है। ठीक है, 10वीं और 12वीं पास है और हेल्थ केयर क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं? जी डी गोयनका हेल्थ केयर अकेडमी जम्मू लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका हेल्थ केयर क्षेत्र में करियर बनाने का। से लेकर 24 महीने तक के मेडिकल क्षेत्र से जुड़े कोर्सेज जो देंगे आपको 100% नौकरी सहायता और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम करने का मौका। आज ही दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और अपना ड्रीम करियर चुने। फैसिलिटी नहीं हमें यहाँ पर, अगर हमें रोड होती तो उनको हमें पीठ पर उठाना नहीं पड़ता। अगर रोड होती तो फिर ये अपनी स्कूटी जो है उस पर आते, हमारी फाइल जो है रोड की वो सेक्रेट पहुंच चुकी है। हमारी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से, ये एलजी साहब से, हमारी ये जो कमिश्नर सेक्रेटरी है, तो हमें यहाँ पर हमारी रोड सैंक्शन होनी चाहिए। सब हमारी फॉर्मेलिटीज पूरी हैं। हमारा एक गांव ऐसा है जिसमें कोई रोड नहीं है। 3 किलोमीटर से इनको हमने उठाकर लाया इस चढ़ाई पर यहाँ पर, और यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं थी। यहाँ कोई रैंप नहीं है स्कूल में, व्हील चेयर के लिए बोला था, व्हील चेयर नहीं है। इनको हमने वोट भी उठाकर अंदर लेना है और वो इनसे वोट दिलाना है। हमें वो वोट का पता है कि एक एक वोट की कीमत कितनी होती है। जब वाजपेयी साहब की हुकूमत थी, एक वोट से उनकी हुकूमत गिराई गई थी। सैफुद्दीन सोज जो एनसी के थे, उन्होंने वोट नहीं दिया था एक वोट, तो एक वोट इतनी एक वोट की वैल्यू होती है। तो हमारी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से, एलजी साहब से, इनकी इंक्वायरी की जाए। उन्होंने इनका वोट किया कैसे, रिजेक्ट किए? इनका तो घर पर वोट होना चाहिए, ये 100% डिसेबल्ड है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि उनकी इंक्वायरी की जाए। व्हील चेयर के लिए बोला तो वो कहते हैं नहीं, जो हमने भेज दिया है, ये कहते हैं सोशल वेलफेयर वाले, कहाँ है यहाँ पर व्हील चेयर? कोई रैंप नहीं बनाया इन्होंने स्कूल में। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी रोड जो है वो सैंक्शन होनी चाहिए। अगर अगली बार
हमारी अगले स्टेट इलेक्शन तक हमारी जो रोड है वो सैंक्शन होनी चाहिए। अगर वोट नहीं होगी, रोड नहीं होगी, तो हमारा सारा गांव जो पोलिंग स्टेशन बाईपास कर देगा। ठीक है, ओके।